हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ये न्यू ब्लॉग में। दोस्तों बहुत दिन के बाद जो है हम ब्लॉग बनाए हैं ये न्यू वाला, और हम जो है कहाँ पर आए हुए हैं वो आप सबको तो पता चल ही गया होगा जिसने भी ये जो है वीडियो पिछले बार देखा होगा। और जिसने नहीं देखा होगा मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा कि जहाँ जो है हम लोग ये जो पेड़ लगाए हुए हैं, महगनी का पेड़ देख रहे हैं पीछे, जो जहाँ पर हम जो लोग जो है लगाए हुए हैं वहीं पर जो है आए हुए हैं। और मेरे साथ है यहाँ पर देख रहे हैं पीछे एक लड़का, देखिए ये भी हाई कर दिया, और इसका नाम जो है विजेंदर है। ये जो है मेरा कोचिंग का स्टूडेंट है, तो जिसने जो है कोचिंग का ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा मेरा कोचिंग संस्थान का जो है ब्लॉग। आगे जो मैं आप लोग को लेके चलता हूँ, जो कुछ पेड़ दिखाता हूँ जो जहाँ पर लगाए हुए, उसमें से बहुत सारा जो पेड़ जो है मर भी गया और बहुत जिंदा भी है, तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ जो है किधर जो है कितना पेड़ में जो प्रोग्रेस हुआ इतना दिन के बाद से, जो जब से लगाए हुए लगाया हुआ कम से कम एक मंथ हो गया, अभी क्या प्रोग्रेसिंग है मैं आप लोग को वो दिखाता हूँ और हम भी देखते हैं साथ। तो दोस्तों इसमें जो है पानी भी पटाए हुए हैं, और आगे जो है पानी पटाने के बाद जो है काफ़ी हरा भरा हो गया है। आप सब देख सकते हैं कि ये सब जो है पेड़ जो है काफ़ी ज़्यादा हरा भरा हो गया, देखिए काफ़ी ज़्यादा हरा भरा हो गया। और आगे जो है बहुत सारा पेड़ जो है दोस्तों अफसोस की बात है कि मर भी गया है, और मर गया तो बहुत ज़्यादा जो है दुख हुआ है, क्या करें, दुख मतलब बहुत मेहनत से लगाए थे ये सब पेड़ को और जो है कुछ मर भी गया है। और इसके बाद जो ये सब पेड़ को जो है फिर से नया तरीका से जहाँ पर जो है मर गया वो वहाँ पर जो फिर से लगाना है, तो मैं आप लोग को इसका प्रोग्रेसिंग दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि ये सब पेड़ देख पा रहे हैं ये सब जो है बिल्कुल सूख चुका है, देख पा रहे हैं कि ये सब जो है बिल्कुल सूख चुका है। तो इसमें जो है दोस्तों सूखा ही नहीं, ये पत्ता जो है लग रहा है कि सूखा हुआ है, लेकिन इसमें जो है देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है नया तरीका जो है ये फिर से जो है इसमें कलियां जो है नई देख पा रहे हैं, नई कलियां जो है निकल चुका है। दोस्तों इस पेड़ का जो यही नियम है कुछ कि जो है मतलब जो है ये पत्ता जो है पुराना वाला इसका जो झड़ जाता है, इसके बाद जो है नई कलियाँ इसमें बाहर निकलती है। तो इसमें से कुछ पेड़ जो है दोस्तों मर भी चुका है, जैसे आप लोग ये देख रहे हैं ये वाला पेड़, देखिए इसका पत्ती जो है पूरा सूख चुका है और कुछ जो है मर चुका है। इससे जो देखिए जो इसको जो हम तोड़े तो इससे पता चल गया कि ये पूरा सूख चुका है। तो दोस्तों जो सूख चुका है उसको जो क्या करना पड़ेगा, उसमें जो है नया तरीका से जो है लगाना पड़ेगा फिर से मुझे नया पेड़। तो आगे मैं आप लोग को ले कर चलता हूँ और दिखाता हूँ फिर से जो है नई जो कौन सा पेड़ मेरा इसमें से जो बहुत ज़्यादा पेड़ जो है लगभग मर चुका है, और मरने का क्या रीज़न हो सकता है तो मैं वो भी बताऊंगा। और दोस्तों इसका मरने का अगर हम आप लोग को कारण बताएं तो इसमें जो है कुछ हुआ है क्या कि जो है ये जो है रोपने के टाइम में जो है इस पेड़ को जब रोपा जाता था तो उसमें जो है कुछ का जो है जड़ वड़ जो है जड़ में हवा ज़्यादा लग गया होगा या जड़ टूट गया होगा, और जो है मजदूर जो इसको लगा रहे थे उस टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा मैं इसको ध्यान से देखा भी नहीं वो किस तरीका से लगाया, तो इस कारण से भी ये जो है मर सकता है। और आगे मैं आप लोग को लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ और भी। दोस्तों प्रोग्रेसिंग की बात करें तो कुछ पेड़ जो है दोस्तों इस तरीका से जो देख पा रहे हैं कि नई जो कलियाँ जो है ये बाहर आ गई है, और कुछ जो है मर भी चुका है, देख रहे हैं कि ये सब जो है कुछ मर चुका है, और जो जिंदा था उसमें तो नई जैसे ये कलियाँ हैं ये बाहर आई है। मैं और कुछ पेड़ दिखाना चाहूँगा, इधर जो है देख रहे हैं कुछ हरा भरा नज़र आ रहा होगा इधर जो है पत्तियाँ, और मैं यहाँ पर जो दोस्तों एक साल पहले कुछ पेड़ लगाए हुए थे तो वो पेड़ भी मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। ये देख लीजिए ये पेड़, ये भी जो है काफ़ी दिन हो गया, लगभग इसका यही एक साल करीब हुआ होगा, और ये भी पेड़ देखिए, और ये देखिए आप इसका बता दीजिए कितना साल हुआ होगा। ये भी दोस्तों एक ही साल का है, इस पेड़ के जो देख के ज़्यादा आश्चर्य मत होइएगा, ये भी पेड़ एक ही साल का है, लेकिन इसका रीज़न क्या है कि ये जो ऊंचा में है ज़्यादा इसलिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और उस साइड भी पेड़ नज़र आ रहा होगा आप लोगों को कि वो भी जो है काफ़ी वो सब पेड़ प्रोग्रेसिंग में है, और